टुडेज टॉपिक ऑफ द क्लास इज सोशलाइजेशन आई होप ऑल यू आर अवेयर ऑफ दिस बट मैं चाहती हूँ कि इस क्लास को मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँ सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एडवांस्ड लेवल में हैं उनसे भी काफ़ी बार गलती हो जाती है दे थिंक दैट यू नो आई आई हैव ऑलरेडी लर्नड एवरी थिंग सो देर इज़ नो प्रॉब्लम पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा क्रिटिकली पूछा जाए एट्सेटरा स्टूडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ confusion so i will try and give you people as many as examples possible so that you people are not confused in the exam and even if you people are beginners i think this class will definitely help you now before i start with the topic of socialization and meaning and types i want to ask you people a very very basic thing टी आई ओ एन हमेशा ये सच नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वन वी सी दर इज़ अ टी आई ओ एन हम लोग इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझाते हैं वी एक्सप्लेन दिस एज अ प्रोसेस दैट मीन्स कि इंसान वेन दे आर बॉर्न वो किस तरीके से सोसाइटी के पार्ट बनते हैं द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन नाउ यू मे आस्क मी दिस क्वेश्चन की क्या एनिमल्स भी सोशलाइज होती हैं येस एनिमल्स भी सोशलाइज होती हैं अगर आप सोशलाइज नहीं कर पाते हो यू विल नॉट बी एबल टू कम्यूनिकेट विथ ईच अदर आप एक समाज में नहीं रह सकते सो वी विल अनकवर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स इंटरेस्टिंगली विद ऑफ टाइप्स एंड ऑल सो लेट्स गेट इन टू दिस ऑल्सो लेट मी टेल यू आज के जो तीन थिंकर्स हैं कूली फ्रॉयड एंड मीड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं बहुत सारे ग्राउंड्स में जिसके वजह से स्टूडेंट्स को लगता है दैट यू नो दे गेट कन्फ्यूज कि किसका कीवर्ड क्या है सो so, इस क्लास में आप लोगों को कीवर्ड के थ्रू नहीं जाना है बिकॉज की आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यू मस्ट हर्ड द वर्ड सेल्फ यस ना क्यों मैं सेल्फ के बारे में बोल रही हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी बट लेट मी टेल यू सेल्फ के बारे में तीनों थिंकर्स ने कहा है सो यू के नॉट बी लाइक अच्छा सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आंसर जी एच मीड होगा या फ्रॉड होगा कुली होगा दैट लॉजिक विल नॉट वर्क इन दिस क्लास सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन और किसी भी तरीके का अगर आपके पास क्वेरीज हैं प्लीज़ आस्क मी इन देंड ऑफ़ द क्लास बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डाइवर्ट माई सेल्फ इन बिटवीन यस ऑल राइट सो लेट स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक थिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिया है आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट और मैं चाहती हूँ कि इफ़ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द क्लास प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिस्कशन अगर मैं आपको कोई चीज़ पूछ रही हूँ आप लोग प्लीज़ कॉमेंट्स में बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है इफ़ यू सी यहाँ पर एक बेबी का फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मैंने बेबी इज़ बॉन्ड वो बेसिकली एक, एक एम टी माइंड या एम्प्टी सोशलाइजेशन के साथ आता है कोई भी बेबी चाहे वो इंडिया में बॉर्न हो अफ्रीका अमेरिका चाइना दे आर ऑल द सेम बट थोड़ा जब वो लोग बड़ा होना शुरू करते हैं धीरे धीरे वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि ये बच्चा इंडियन है या चाइनीज़ है पर वो हम कैसे समझते हैं मे बी थ्रू लैंग्वेज द वे ही और शी वॉक्स और टॉक्स द फूड दैट ही और शी ईट्स द क्लोथ्स दैट दे वेयर सो लॉट ऑफ दीज मार्कर्स डिटरमाइन वेदर आप कहाँ से आते हो कैसे आते हो सो so इफ देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स जैसे कि स्कूल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है हमारे रिलीजन हमें सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने टी वी से भी तो सीखा है येस सो ऑल दीज थिंग्स इंप्लाई रीड मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि मैन इज़ नॉट बोर्न सोशल दैट मीन्स कोई भी इंसान बाई बर्थ लैंग्वेज क्या खाना खाना है क्या कपड़े पहनना है ये सारे चीज़ें सीख के नहीं आता है अ मैन और अ वूमन और एनीबडी इज़ बॉन्ड विद एन एमटी माइंड धीरे धीरे ये जो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं ये हमें बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी का पार्ट बनते हैं यस एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि ह्यूमन बींग्स किसी भी सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स यस yes, अगर आप अपने घर पे भी अकेले रहते हो आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा खाना बाहर से आता है कपड़े बाहर से आता है आप इंटायरली अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते और इसी के लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच केसेस जहाँ पे इंसान के साथ सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो What was the difference in their behavior? Why were they different? Those things also we are going to look at. इज अ पर्सन एक सोशोलॉजिस्ट है जिनका फुल नाम है आयन रॉबर्टसन ना आयन रॉबर्टसन ने सोशालोजी नाम की एक बुक लिखी थी 1977 में जहाँ पे वो सोशलाइजेशन का डिफिनेशन देते हैं बहुत सारे टाइप्स के बारे में बात करते हैं बट सिलेबस में आयन रॉबर्टसन का नाम स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है सो हम लोग इस क्लास में रॉबर्टसन पर ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे बट हम लोग ये बाद में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब मैं आप लोगों को पी डी एफ दूँगी वहाँ पर मैं काफ़ी सारे नोट्स भी अटैच कर दूँगी सो दैट यू पीपल कैन रीड ऑन योर ओन आई एम प्रटी श्योर जब मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रही थी आप लोगों को बहुत सारे केसेस दिमाग में आए होंगे दर इज़ अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड द जंगल बुक आई डोंट नो अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी वहाँ पे एक कैरेक्टर था जिसका नाम था मोगली अगर आप लोगों ने मोगली की कहानी नहीं पढ़ी हो मोगली एक ऐसा बच्चा था जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ बड़ा नहीं हुआ था

उन केसेस में ये देखा गया दैट दीज ह्यूमन बींग्स डू नॉट नो थिंग्स विच वी ह्यूमन बींग्स कैन डू जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश में हिंदी में बात कर रही हूँ ये फेरल चिल्ड्रन को भाषा नहीं आती दे डू नॉट नो लैंग्वेज उन्हें ये भी नहीं पता कि हम लोग हाथों से खाना खाते हैं या फिर दो पैरों से चलते हैं Why? The reason is because when they were born, they started looking around them, the animals, and they thought they hai. So their behavior will were, were completely opposite to human beings human beings ke unka socialization. Hua hi nahi tha. So please remember these cases of feral children, and you can also have a look at some famous examples also. If you people want, I can include that in the notes section. Yes? नाउ कुछ कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं ये बहुत ही बेसिक नोट्स हैं एंड आई होप यू पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान दोगे सो लेट्स सी व्हाट आर दे सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पे एक समाज या सोसाइटी अलग अलग जनरेशन में अपने इन सारे वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स रोल्स इसको ट्रांसमिट करता रहता है नाउ इफ आई आस्क यू अर क्वेश्चन कि ये जो लैंग्वेज आप लोग बोलते हो लिखते हो कहाँ से सीखा है यू माइट से दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली और यू माइट हैव लर्न फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स एट्सट्रा कहीं से तो आप लोगों ने सीखा होगा दैट मीन्स ये हमने ट्रांसमिट किया है ऐसा नहीं है कि हमने सडनली किसने लंग्वेज बना दिया और वो इन्वेंट या डिस्कवर हो गया नो इट्स अ स्लो प्रोसेस जेनरेशन टू जेनरेशन ये ट्रांसमिट होता है ना आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माई फ्री क्लास ऑन कल्चर कल्चर के क्लास में मैंने आप लोगों को एन कल्चरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आई डोंट नो इफ यू पीपल रिकॉल लेट मीन्स ये आप लोग मुझे ये बताओ कि एन um, कल्चरेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था देन आई विल अंडरस्टैंड यू पीपल हैव स्टडीड Or you people have attended the class on culture. Let me see if you people know. Also, those students who are asking me doubts not related to this class, please don't do that. I have already said in the beginning of the class that today we will stick to only socialization. Very good. So, many of you are already giving me the correct answer. The correct answer is Hertzkowitz. यस नाओ हर्स को ने एन कल्चरेशन का कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि किस तरीके से हम अपने ही फैमिली से चीज़ें सीखते हैं जैसे लैंग्वेज फूड हैबिट्स क्लोदिंग हैबिट्स एट्सट्रा यस नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू यू पीपल जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मैंशन कर दिया है कि आज के सारे थिंकर्स में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है What is the concept of self? Now, you people must have heard Kafi Bar when people ask you, What is your name? A lot of time, when people ask us, What is your name? I will say myself Antara. Yes or no? In a similar manner, you can tell who you are. Now, why am I referring to the word myself? सेल्फ वर्ड का सबसे इजी डेफिनेशन होता है आइडिया ऑफ हु यू आर आप कौन है उसका आइडिया आपको है कि नहीं नाउ वेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, वेन अ बेबी इज़ वेरी स्मॉल ही और शी डज़ नॉट नो ही और शी इज धीरे धीरे दो साल तीन साल फोर ईयर्स फाइव ईयर्स द चाइल्ड गेट्स टू नो दैट हिज और हर नेम इज़ सो ये इस क्लास में पढ़ते हैं उसके मम्मी पापा के नाम क्या है एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो so, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हु वी आर और इसी सिमिलर केस में इफ़ यू पीपल टेक द एग्जांपल बहुत सारे बच्चे मेंटली डेवलप नहीं हो पाते हैं उनको नहीं पता होता है वो कौन है जिसके वजह से वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अ लॉट ऑफ टाइम्स देर आर अ लॉट ऑफ मेंटल डिजेबिलिटीज बिकॉज ऑफ विच पीपल आर नॉट एबल टू ग्रो एंड फ्लरिश एंड for that reason they are not able to interact also with the other part of society so the development of self is a very very important outcome or result of socialization You chalega ho, parents na, bataya, ya schools gai. yes i hope you people are getting the Importance and weightage why I am focusing on the word self because Cooley, Freud, and Mead, mein aane wala hai, So please pay attention. Yes? So self is a very, very important component that we are going to deal with today. Now, in the very beginning of the class, I told you people that I am going to first teach you people the types of socialization and then we will move on to the theories. Yes? नॉट मी समथिंग आप लोगों में से कौन से ये स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चारों टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बीच डिफरेंस नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी एंटिसिपेटरी री सोशलाइजेशन आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट नो द फर्स्ट टू बट ये जो सेकेंड के ये जो लास्ट के दो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सो आई वॉन्ट टू टीच यू पीपल दिस टॉपिक इन सच अ वे दैट यू नेवर फर्गेट बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मनी ऑफ़ यू डो नॉट नो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से सी यू ए टी एक्सपीरियंस हैं जिनको नहीं भी पता हो सकता है विच इज़ कंप्लीटली फाइन बट यू नीड टू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डो नॉट नो ओके सो so, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा उन्हें नहीं पता सो so, हम लोग नोट्स तो देखेंगे ही लेकिन हम लोग कुछ प्राइमरी या फिर की पॉइंट्स देख लेते हैं ये एक कॉमन सेंसिकल चीज़ है टेल मी वन अ बेबी इज़ बॉर्न सबसे पहला सेट ऑफ कौन से लोग होते हैं जिसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है ऑब्वियसली बात है फैमिली यस yes? फैमिली इज द फर्स्ट सेट ऑफ़ पीपल जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है जिसमें आपको सबसे बेसिक चीज़ें सीखने को मिलता है हाउ टू वॉक हाउ टू टॉक हाउ टू ईट यस ऑल दीज बेसिक मैनरिजम्स कम फ्रॉम आर फैमिली हु आर द क्लोजेस्ट टू अस ऑल राइट सो वेन अ चाइल्ड रीचेस अ पर्टिकुलर एज धीरे धीरे क्या होता है उसके बाद सेकेंडरी लेवल में हु आर द पीपल जो कि फैमिली के बाद हमें मिलते हैं अगेन वेरी कॉमन सेंसिकल फ्रेंड्स एंड स्कूल बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है या वो फ्रेंड्स बनाता है स्कूल में जाता है फ्रेंड्स को काफ़ी बार सोशोलॉजिकल लैंग्वेज में पीयर ग्रुप भी कहा जाता है पीयर ग्रुप मीन्स पीपल ऑफ़ योर सेम एज ग्रुप सो फ्रेंड्स स्कूल पीयर ग्रुप दीज आर आर सेकेंडरी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन जहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं एग्जाम्पल वेन यू आर एट होम यू माइट नॉट नो द आइडिया ऑफ शेयरिंग यस चीज़ों को बांटना पड़ता है पर द मोमेंट आप स्कूल जाते हो यू मेक फ्रेंड्स हम लोग हम लोगों ने सब ने ये किया है स्कूल में वी यूज टू टेक टिफ़िन येस सो वी स्टार्टड लर्निंग दी हैबिट ऑफ़ शेयरिंग बहुत सारी बार आपको किसी और फ्रेंड का टिफिन ज़्यादा पसंद है तो आप उनके साथ शेयर करेंगे दैट पर्सन विल शेयर विथ यू सो शेयरिंग एट्सेट्रा लॉट ऑफ दिज क्वालिटीज़ वी लर्न not necessarily at home but when we step out of home and we are introduced to more people who are not very close to us like family yes now these two are simple but hamlok they can get anticipatory or re-socialization ka meaning kya hai. now this is where most of the students are stuck because anticipatory or re-socialization difference pata hai. now i want you people to pay a lot of attention here एक छोटा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये टर्म हमें दिया था आर के मर्टन ने यस देर वॉज वन मोर पर्सन इन्वॉल्व इन दिस बट आर के मॉर्टन नेम यू पीपल द पर्सन बिहाइंड वर्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन ना फर्स्ट अस ब्रेक द वर्ड एंटीसिपेट वर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना किसी चीज को ओके okay? नाउ हम लोग यहाँ पे मर्टन का ही दो कॉन्सेप्ट लेंगे पे लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस मर्टन से सोसाइटी में दो ग्रुप्स होते हैं एक जिन्हें वो मेंबरशिप ग्रुप्स बुलाते थे डोंट वरी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ग्रुप्स तो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे एंड द आदर टाइप दैट ही कॉल्ड वर्स नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स इसका सिंपल मीनिंग यह है कि हम लोग सोसाइटी में कौन से ग्रूप्स के मेम्बर्स होते हैं कौन से ग्रूप्स के मेम्बर्स नहीं होते हैं नाव फॉर एक्सप्लेनिंग इन दिस आई विल टेक माई एग्जाम्पल ओके मैं खुद का एग्ज़ाम्पल देख के आप लोगों को बताने वाली हूँ कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो जस्ट टू सिंप्लीफाईट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल मुझे हमेशा से पढ़ाना नहीं आता था आई कुड नॉट टीच आई वॉज नॉट बॉर्न अ टीचर है ना हम लोग धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं सो द फॉर द फर्स्ट टाइम वेन आई स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू टीच मैं इतना नर्वस हो जाती थी आई टू गेट सो नर्वस दैट आई वुड स्टार्ट मुझसे बोला ही नहीं जाता था आई यूज टू गेट वेरी नर्वस सो देन वॉट आई डिड मैं प्रैक्टिस करना शुरू की कि चलो ठीक है मैं मिरर के सामने पढ़ाने का थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ कि हाउ डू आई लुक एज अ टीचर और धीरे धीरे विद इन अ वीक आई थॉट ओके नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अभी मैं टीचर बनने लायक एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं येस नाव यहाँ पे दो स्टेजेस हैं ध्यान से देखो पहली बार आई वॉज नॉट अ टीचर यस बट आई वॉज एंटिसिपेटिंग यानी कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी अ टीचर इन फ्यूचर जिसके वजह से आई वॉज़ रिहर्सिंग रिहर्सिंग का मीनिंग आप लोग समझते हो किसी चीज़ का प्रैक्टिस करना सो so, जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करके उसका रिहर्सल करते हो सो so दैट आप उस नॉन मेंबरशिप ग्रुप में एंट्री कर सको दैट इज़ कॉल एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इन अदर सिंपल वर्ड्स आप लोग और भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो मान लो एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है उसे आगे जाके फौजी बनना है आर्मी बनना है अब कोई भी मुंह उठा के आर्मी नहीं बन सकता येस yes? यू हैव टू बी फ़िज़िकली फ़िट यू हैव टू बी अ लॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू डू सो उसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करते हैं फिर जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो देते हैं सो so दैट वो ये नॉन मेम्बरशिप ग्रुप यानी कि टीचर या फिर आर्मी या फिर किसी को आई ए एस बनना है जो भी बनना है उस चीज़ को एंटर करने के लिए आप कोई चीज़ के एक्सपेक्टेशन के लिए आप अपना रिहर्सल या प्रैक्टिस करते हो ओके सो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन डज नॉट हैपन जब आप ऑलरेडी इस ग्रुप में एंटर कर चुके हो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हैपन्स जब आप इस ग्रुप में एंटर नहीं किया है पर आप उससे पहले ही प्रैक्टिस या रिहर्सल कर रहे हो इज दैट क्लियर ना वो लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू दिस एग्जाम्पल कि किस तरीके से आजकल गर्ल्स कुकिंग सीखते हैं सो देट वो शादी कर सके ना कम ऑन गाइज यू पीपल आर सोशोलॉजी स्टूडेंट्स और ये सारे सक्सिस्ट एग्जाम्पल्स अब बहुत बहुत हो गया अभी हम लोग ये एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे लड़कियां क्यों कुकिंग सीखे लड़के भी सीखते हैं आजकल यस एवरीबडी शुड लर्न कुकिंग कुकिंग इज़ अ सर्वाइवल नेसेसिटी अगर आपको कुकिंग नहीं आती है चाहे आप लड़का हो लड़की हो तो प्रॉब्लम हो सकता है यस सो लेट्स नॉट टेक दैट एग्जाम्पल हम लोग कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो लेट्स um, से कोई लेडी प्रेगनेंट है यस yes? अब उन्हें पता है कि उन्हें आगे जाके एक मदर बनना है सो so, एक मदर के होने से बहुत सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है अब बच्चे का कैसे देखभाल करोगे क्या नहीं सो अलॉट ऑफ टाइम्स दिस प्रेगनेंट पीपल स्टार्ट रीडिंग बुक्स कि देखते हैं कि एक यंग मदर को क्या करना चाहिए क्या नहीं सो हियर ऑल दीज पीपल आर अंडर गोइंग एंटिसिपेटेड सोशलाइजेशन बिकॉज अभी भी वो लोग इस ग्रुप में एंटर नहीं किया है ओके सो विल यू रिमेंबर द की पॉइंट्स गाइज i hope it is clear because the very next concept is quite related but students pata nahi kyun confuse ho jate hain so next hum log abhi dekhenge the concept of resocialization okay Now सबसे पहले आपको याद रखना है कि resocialization term टर्म इंस्पायर हुआ है एरविंग गॉफमैन से अच्छा गाइज आई होप यू पीपल नो किसी भी वर्ड के सामने अगर मैं री डाल दूँ री का मतलब क्या है अगर हम लोग हिंदी में इसे बोलेंगे री का मतलब हो जाएगा क्या माई हिंदी हैंड राइटिंग इज वेरी बैड फिर से यस दैट मीन्स यू डू इट अगेन ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑर्डिनरी इंसान है ऑर्डिनरी पर्सन इसने लाइफ में कुछ क्राइम कर लिया क्राइम करने के बाद इसको भेज दिया गया जेल नाव आई होप ऑल ऑफ यू नो कि हमारा जो लाइफ होता है और जेल में जो लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है हम लोग हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में कभी भी नींद से उठ सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं रेस्टोरेंट जा सकते हैं स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं बट इन जेल यू कैनॉट डू एनी ऑफ इट जेल में आपको एक स्ट्रिक्ट स्कड्यूल फॉलो करना पड़ेगा आपको जो भी दिया जाएगा उसी के साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो तो जेल में आपको कोई भी मोबाइल फोन ला नहीं देगा सो so, रीसोशलाइजेशन का मतलब है जब हम एक दूसरे ग्रुप में एंटर कर जाते हैं और फिर से मुझे सोशलाइज करना पड़े

सेंटर्स में डाल दू वहां पर भी आपको नए तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे बिकॉज ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो लेट्स टेक एन कि एक इंसान जेल में रहा फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब ट्वेंटी ईयर्स पहले दो हजार दो था दो हजार दो के टाइम में एटलीस्ट मेरे घर में तो मोबाइल फोन नहीं था अब मान लो जब ये इंसान बीस साल बाद जेल से बाहर निकलेगा He will be introduced to this thing called mobile phone, जो उसने कभी नहीं देखा होगा yes? Now mobile phone कैसे use करते हैं क्या नहीं उसे फिर से सीखना पड़ेगा So I hope it is clear that री happens हैपन्स जब आप already एक नए group में घुस चुके हैं और आप कोई चीज़ें सीख रहे हो किससे आता है ये कॉन्सेप्ट एरविंग Goffman से आता है Do नॉट कन्फ्यूज़ इट with anticipatory सोशलाइजेशन yes? ओके वेरी गुड you यू पीपल हैव ऑलरेडी a फ्यू मोर concept. तो मैं सिंस ये पढ़ा ही रही हूँ तो वो भी mention कर देते हैं सो so, Erving Goffman ने क्यों ये concept दिया बिकॉज Erving Goffman studied वेरी वेरी इंटरेस्टिंग institutions which ही कॉल्ड टोटल इंस्टीट्यूशंस और उन्होंने कहा था कि इन टोटल इंस्टीट्यूशंस में ही ज़्यादातर हमें रीसोशलाइजेशन देखने को मिलता है न द क्वेश्चन इज ये टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है देखो ध्यान से सुनो टोटल इंस्टीट्यूशन आर दोज इंस्टीट्यूशंस वेयर द इंडिविजुअल हैज़ नो पावर उसके पास खुद का डिसीशन लेने का बिल्कुल भी पावर नहीं है जो भी इंस्टीट्यूशन है वही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा दैट मीन्स वॉट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बिल्कुल भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है अगर हमें कुछ लिस्ट बनाना पड़े जेल हो गया आर्मी बैरक्स होंगे <coughs> Yes, अगर आप एक आर्मी बैरक में हैं आप स्विगी जोमेटो से चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे जो ड्रग एडिक्स होते हैं उनको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर सकते हैं एंड दिस वे वी कैन टेक सेवरल मोर एग्जांपल्स यस मेंटल असाइलम्स यस वेरी गुड So I hope you people understood what I'm trying to say. So this is where Erving Goffman actually introduces the concept of resocialization. Is that clear, guys? I hope it is clear. Okay. Very good. <coughs> After marriage, resocialization hai. Yes, we can say. But if you are doing training before marriage, then it will be anticipated. यस yes? अगर मैं कहूँ कि आफ्टर मैरिज मैंने कुकिंग सीखा है या फिर किसी हस्बैंड ने कुकिंग सीखा है तो वो रीसोशलाइजेशन हो गया लेकिन अगर आप बिफोर मैरिज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो फिर वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा क्लियर ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर गाइस, द फोर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन नाउ इफ़ यू पीपल वांट वी कैन लुक एट सम नोट्स सोशलाइजेशन अलग अलग स्टेजेस में होता है मैंने ऑलरेडी आपसे कहा प्राइमरी स्टेज में हम लोग फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी स्टेज में स्कूल होते हैं फ्रेंड्स होते हैं एंड थर्ड में जब हम एडल्ट हो जाते हैं एडल्ट होने के बाद भी तो बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं अच्छा दिस इज़ अ क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स लेट मी सी ये आंसर आप लोग कर पाते हो कि नहीं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है सो डू नॉट टेक इट लाइटली क्वेश्चन ये है कि सोशलाइजेशन हमारे लाइफ में कब तक होता है सिर्फ चाइल्डहुड तक टीन तक या फिर लाइफ टाइम नाउ दिस इज़ समथिंग वेर मेनी स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक उन्हें लगता है कि चाइल्डहुड में ही हमारा सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया नो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस अगर आप देखो अभी भी हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं इज इन ट वी लर्न समथिंग एवरी डे ऐसा नहीं है कि आपके डेथ तक अनटिल डेथ यू विल कीप लर्निंग समथिंग और दी अदर सो हमेशा याद रखना लाइफ टाइम ही आंसर देना है सो इन द प्रीवियस स्लाइड वॉट डिड वी सी दैट द थर्ड स्टेज में हम जब एडल्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं नौकरी कैसे करना है पैसे कैसे कमाना है वी जस्ट कॉन्ट स्टाफ टिल डेथ येस ऑल राइट वेरी गुड सो आई होप दिस इज़ क्लियर ना आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू मोर थिंग्स बट इससे पहले जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है उसी को एक बार देख लेते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिहर्सल और प्रैक्टिस इन द ए एंटिसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग अ ग्रूप मैंने आपको एंटिसिपेशन का मीनिंग बताया एक्सपेक्टेशन ये री सोशलाइज इज़ वैन कि हम प्रीवियस ग्रुप को छोड़ के ऑलरेडी दूसरे ग्रुप में एंटर कर चुके हैं और उसके न्यू रूल्स वैल्यूज़ कल्चर को हम सीख रहे हैं यस yes? ऑल राइट नाउ बिफोर आई मूव मैं आप लोगों को और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती हूं दैट इज कॉल्ड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि हमें सोशलाइज करता कौन है कुछ एजेंट्स प्राइमरी होते हैं कुछ सेकेंडरी होते हैं नाउ प्राइमरी पे क्या क्या एजेंट्स आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सोशलाइज करते हैं फैमिली स्कूल नाउ रिमेंबर दिस इज़ नॉट स्टेजेस स्टेजेस में हम स्कूल को प्राइमरी में नहीं डालते हैं स्टेजेस में स्कूल सेकेंडरी में आ जाता है पर यहाँ पे ये सारे प्राइमरी में आ जाएगा वैसे सेकेंडरी में बाद के चीज़ें आएंगे जो हमें बाद में पता चलता है जैसे मीडिया पॉलिटिक्स लॉ एट्सेट्रा जो हम लोग थोड़ा बड़ा होने के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चलता है अनटिल चाइल्ड हुड वी आर वी डोंट इवन नो मीडिया पॉलिटिक्स लॉ क्या है येस ऑल राइट वेरी गुड इसमें हम सोशल मीडिया भी आजकल डाल सकते हैं बच्चा का बर्थ होते ही ऑब्वियसली उसे इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना नहीं आता है तो वो सेकेंडरी में ही आएगा फर्स्ट वो फैमिली स्कूल पियर ग्रुप पर आजकल बोल भी नहीं सकते द चिल्ड्रेन ऑफ टुडे आर वेरी वेरी एडवांस्ड एंड क्लेवर यस All right. Now, I hope this much is clear, guys, and you people have no doubt. But in case you people do, as I said, please don't hesitate to ask me your doubts in the end of the class. Yes. So now let us start with the first person of today's class, that is Charles Horton Cooley, and I personally just love this man because he's very, very interesting. So inka jo pura naam hai, yad rakna is Charles Horton. कोली ना इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एक हो गया सोशलाइजेशन इसके अलावा जब मैं आपको ग्रुप का टॉपिक पढ़ाऊंगी यू हैव टू रिमेंबर कि ये वही इंसान है जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप डिवाइड किया था जब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ग्रुप का टॉपिक पढ़ाऊंगी ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के हमें टाइप्स दिए थे यस ऑल राइट वॉट आर द की पॉइंट देखो मैं ये सारे थिंकर आपको की पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगी सो दैट खट खटखट आपको पता चले कि उनका थियरी क्या है कौन से किताब में कहा है अगर इंपॉर्टेंट है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इधर उधर ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ चार्ल्स हॉट एंड कूली का जो सोशलाइजेशन थियोरी है सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है इस थियोरी को हम लोग बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ एम प्रीशर आप सबके घर में मिररर्स है और हम लोग अपने आप को मिररस में देखते हैं जब बाहर निकलते हैं वेन वी गो आउट वी ऑलवेज लुक एट द मिरर टू सी वेदर मेरा बाल शर्ट चश्मा सब कुछ ठीक दिख रहा है कि नहीं सो हॉट एन चार्ल्स हॉट एन कोलीज थियोरी वॉज एग्जैक्टली अबाउट दिस बट हाउ इज इट सो लेट एस फाइंड आउट येस ओके सो Please, as I said, I am not reading the comments right now. Please copy your comments when I am done with the class. Please ask me the comments then because then I have to repeatedly look at my phone. Yes, I hope that is not a problem. I will solve all your questions in the end, does not matter how long it takes. Yes, I promise. Now, Charles Horton Kulika, you have that he gave this theory in his book. ध्यान से देखो द बुक्स नेम द बुक्स नेम इज़ ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ओके ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास थियोरी इन हिज बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पहला लाइन ध्यान से पढ़ो कूली कहते हैं कि हमारा जो पर्सनैलिटी है पर्सनैलिटी मीन्स द वे वी आर कुछ लोग बहुत शांत होते हैं सम पीपल आर वेरी क्लेवर एट्सट्रा यस how does it happen how come different people have different types of personalities he answers it by saying that it arises out of interactions with the world abhi dekho main aap logo ke sath interact kar rahi hu आप लोग लो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो इन द कमेंट सेक्शन उससे कहीं ना कहीं हमारा पर्सनालिटी डिसाइड हो रहा है यस yes,

हु सेड की सेल्फ यानी कि मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में एग्जाम्पल दिया था याद है आई गेव यू गैट द एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग दैट माई सेल्फ अंतरा सो हु एम माई मैं अंतरा हु ये मुझे पता चला लोगों के साथ इंटरेक्शन करके इज इंट इड इट वॉज आवर पेरेंट्स और आवर फैमिली हु रिपीटेडली टोल्ड आस यू आर अंतरा अंतरा दिस इज योर नेम दिस इज योअर नेम यस Now he says that self is the product of our social interactions with other people. And he gives three very important points. Kaise hota hai, dekh lete hai. Now here he gives an example. Now look at this picture very carefully. I hope this picture is visible to you people. Agar nahi hai aap logo ko bata Now, in this we are seeing. आर सेल्फ इन दी मिररर ओके मान लो सुबह सुबह उठ के मुझे बाहर निकलना है तो मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ नाउ इन माई माइंड आई विल इमेजिन हाउ आर माई लुकिंग टू अदर पीपल यस आई माइट इमेजिन दैट ओ आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल और आई एम नॉट लुकिंग सो गुड माई हेयर इज़ नॉट लुकिंग गुड सो आई विल स्टार्ट इमेजिनिंग हाउ आर माई लुकिंग टू अदर पीपल बाकी लोग मुझे कैसे देख रहे हैं मैं खुद ही खुद इमेजिन करूंगी यस yes? और मैं साथ ही साथ ये भी इमेजिन करूंगी कि लोग क्या जजमेंट पास करेंगे मुझे देख के विल दी अदर पीपल से दैट आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी और विल दी अदर पीपल से दैट आई एम नॉट लुकिंग गुड एट ऑल यस एंड बेस्ड ऑन दिस इमेजिनरी जजमेंट वी डिसाइड आवर सेल्फ अगर मुझे लगे कि हाँ लोग आज मुझे देख के बहुत सुंदर बोलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी पर अगर मुझे लगे कि नहीं लोग आज मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं बोलेंगे देन आई विल भी सैड सो नाउ क्रिटिकली एग्जामाइन वॉट हि इज ट्राइंग टू से ही सेल्स कि मैं खुद ही इमेजिन करती हूँ आई माई सेल्फ इमेजिन वॉट दी अदर पीपल विल थिंक एंड बेस्ड ऑन दैट जजमेंट माई सेल्फ इज आईदर हैप्पी टूडे और माई सेल्फ इज सैड आई होप यू गाइज आर गेटिंग वॉट आई एम सेंग मैं ये फर्स्ट स्टेज में ये सोचूंगी कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं हाउ आर दे लुकिंग एट मी और उसका रिएक्शन क्या है लोगों के माइंड में व्हाट आर देयर जजमेंट्स नंबर थ्री उसी इमेजिनरी जजमेंट के बेसिस पे मैं आइर आज खुश रहूंगी या सैड रहूंगी एंड दिस इज समथिंग दैट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी टूडे आज बार बार जो मैं चश्मा पहन रही थी आई वॉज़ कीपिंग माई चश्मा लाइक दिस और वो मेरे बालों में अटक रहा था एंड आई कुड नॉट ओपन माई चश्मा सो पब्लिक में मैं अपने बालों को खींच रही थी एंड आई वॉज़ इमेजिनिंग वट दिस पीपल माइट बी थिंकिंग अबाउट मी कि यह लड़की पागल है बार बार चश्मा को ऊपर कर रही है एंड एंड खुद ही खींचे जा रही है सो यू नो मे बी पीपल आर नॉट अवे लुकिंग एट यू बट वी इमेजिन कि लोग मुझे देख रहे हैं और शायद ये सोच रहे होंगे और इसी के सोचने के बेसिस पे आई बिकेम सैड ओके सो आई होप यू गाइज आट गेटिंग And he also says. Remember, in the beginning, I told you that Charles Horton Cooley gave the example of two groups: one primary group, the other secondary group. Primary group are those people who are very close to

But if your parents scold you, if your own brother or sister scolds you, you feel bad, isn't it? Because I am a secondary group member for you people, but your family, your brother, sister are primary for you people. Yes? Is it clear, guys? Are you guys getting what I'm trying to say? Yes? सो so, ये हमारा पर्सनैलिटी डिसाइड करता है देयरफॉर हमारा सेल्फ इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग टू सी आर सेल्फ वॉट वी परसीव टू बी अदर्स हम ये सोचते हैं कि लोग शायद ये सोच रहे हैं बट दैट्स एक्चुअली आर परसेप्शन बेस्ड ऑन वॉट वी आर थिंकिंग इज दैट क्लियर गाइज आई डोंट नो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में ये मीम्स देखा होगा इफ यू पीपल हैव सीन दीज मीम्स ऑन सोशल मीडिया दैट सोसाइटी थिंक्स आई एम ए पी एच डी रिसर्चर मैं पढ़ाई कर रही हूँ माई पेरेंट्स थिंक कि मैं पार्टी कर रही हूँ मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ देर आर ऑल दीज मीम्स ऑन सोशल मीडिया आई विश मैं वो मीम ला पाती आज क्लास के पिक्चर में सो इट्स नथिंग बट वॉट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि अभी मैं बैठ के मूवी देख रही हूँ माई फ्रेंड्स माइट बी थिंकिंग कि अभी मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ माई

Harvard Mead. Now, George Harvard Mead was a very important person because he was a साइको सोशल थिंकर साइको सोशल थिंकर कौन से लोग होते हैं जो कि सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट ही नहीं लेकिन उन लोगों का साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनफैक्ट चार्ल्स हॉर्टन कूली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे बट जॉर्ज हार्बर्ड मीट का जो इन्फ्लुएंस आता है वो एक साइकोलॉजी से आता है एक बिहेवियरिज्म से आता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म दैट हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस हमारा बिहेवियर क्या होता है कौन सी सिचुएशन में क्या होता है उससे डिफाइन होता है यस yes? ओके okay. चलो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इफ यू गाइज एव एनी डाउट्स प्लीज पुट ऑन होल्ड यस कम टू दैट नहीं ये नेट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन आया था कि सेल्फ के कॉन्सेप्ट को माइक्रो एनालिसिस किसने किया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मीट टिक कर दिया था बट द करेक्ट आंसर ऑफ माइक्रो एनालिसिस ऑफ सेल्फ इज गॉफमैन प्लीज डोंट कन्फ्यूज सिंस गॉफमैन आप लोगों को नहीं पढ़ना है सी यू टी के सिलेबस में आई एम नॉट टीचिंग बट आई एम प्री श्योर नेट एक्सपीरियंस ने पढ़ा है गॉफमैन यूनिट वन में सो so, अगर सेल्फ का माइक्रो एनालिसिस पूछा गया तो वो गॉफमैन होगा नॉट जी एच मीट क्लियर all right so let's start with gh meet but then i want to put a few uh, more things in line gh meet ka influences kahan se aa raha hai behaviorism and there is another school called pragmatism Pragmatism का मतलब या फिर pragmatic का मतलब होता है practical होना कि हम लोग real life में practical चीज़ें कैसे करते हैं प्रैक्टिकल चीज है फॉर विच यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग सुबह उठ के आपको ब्रश करना है इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग इट्स इम प्रैक्टिकल अगर आप ब्रश बिना कि आप निकल गए लेकिन आजकल बहुत लोग ब्रश नहीं करते बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट यू शुड बी सो हिज इंफ्लुएंसेज आर फ्रॉम दीज टू स्कूल्स सेकेंडली ही लेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ध्यान में रखना ही सेल्फ इज अ सोशल प्रोसेस रिमेंबर दिस सेंटेंस अगर ये सेंटेंस आया ये जॉर्ज हार्बर्ट मीड हो जाएगा सेल्फ इज अ सोशल प्रोसेस कैसे होता है क्या नहीं वो हम देखेंगे तीसरा gestures. Down, terms, symbols, की वर्ड जेस्टर्स चौथा सिग्निफिकेंट प्लीज नोट इट डाउन दीज टर्म्स गाइज इसको लाइटली मत लो सिग्निफिकेंट सिम्बल्स जो कि वो लैंग्वेज से समझाते थे लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं एनिमल्स का नहीं सिग्निफिकेंट एंड जनरलाइज्ड आदर एंड द लास्ट वन इज द डिबेट बिटवीन आई एंड मी ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखा है दीज आर द थिंग्स दट वी आर गोइंग टू लुक एट इन हिज थियोरी ऑफ सोशलाइजेशन बाकी सारे जो टॉपिक्स आते हैं वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन दैट ना सेल्फ इज़ अ सोशल प्रोसेस का मतलब ये है कि हमारा जो सेल्फ है वो सोसाइटी ही हमें सिखाता है मैं अगर अकेले किसी डेजर्ट में फ्रॉम बर्थ बड़े तक मैं बड़ी होंगी तो मुझे मेरा सेल्फ का आइडिया नहीं मिलेगा इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी दैट वी लिव इन देर फॉर अ चाइनीज़ पर्सन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन इंडियन पर्सन बिकॉज उन दोनों का सोसाइटी सोशल प्रोसेस बहुत अलग होगा येस ना वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ जेस्टर्स गाइज आई होप ऑल ऑफ़ यू नो वाट इज जेस्टर्स जेस्टर्स मीन्स हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत सारे तरीकों का हो सकता है वन इज़ रिटन इज स्पोकन अभी मैं लिख रही हूँ बोल रही हूँ इशारों से कुछ बता सकती हूँ सो जेस्टर्स मीन्स ऑल दीज थिंग्स जिसके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड आई से हाई मान लो मैंने किसी को हाई बोला सो so, हाई का रिस्पॉन्स में वो मुझे हेलो बोलेगा यस दैट मीन्स वाट आई एम यूजिंग सर्टिन जेस्टर्स हियर टू कम्युनिकेट विद समबडी इज इन टिट और नॉट सो दैट मीन्स ये एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है ऐसा नहीं कि मैंने किसी को दूर से हाई बोला और उस इंसान ने मुझे दूर से सॉरी बोला हाई का रिस्पॉन्स सॉरी नहीं होता है वी नो दैट अगर कोई आपको सॉरी बोलता है उसके रिस्पॉन्स में हम इट्स ओके okay बोलते हैं अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है वी से योर वेलकम सो दीज आर सर्टिन मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस दैट वी डू इन आर डे टू डे लाइफ जिसके लिए मुझे जेस्टर्स यूज करना पड़ेगा बिना जेस्टर्स स्पोकन रिटन इशारों के बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते नौ दीज थिंग्स ही सेड आर नथिंग बट सिग्निफिकेंट सिम्बल्स यानी कि लैंग्वेज एनिमल्स के लाइफ में लैंग्वेज नहीं होता है दे डू Have a lot of gestures, लेकिन यह जो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है जहां पर हम लिख सकते हैं बोल सकते हैं इशारे कर सकते हैं यह सारी चीजें सिग्निफिकेंट सिंबल होता है बिकॉज इन्हीं सिग्निफिकेंट सिंबल से हम लोगों के साथ इंटरक्ट कर सकते हैं एंड इंटरक्शन इज द की बिना इंटरेक्ट के आप सोशल प्रोसेस कैसे लाओगे ये yes?

प्रिपेरेटरी के बाद ही सेड कम्स प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज प्लीज ध्यान से सुनो बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इफ यू डू नॉट लिसन टू मी केयरफुली ओके नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल आई एम प्रटी श्योर ऑल ऑफ़ यू मस्ट हफ सीन स्मॉल बेबीज़ इन योर लाइफ आपके घर में स्मॉल बेबीज़ हो सकते हैं या फिर आप लोगों ने किसी को देखा होगा एट्सेटरा फ्रेंड्स के बच्चे एट्सेटरा जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे व्हेन दे आर वेरी वेरी यंग व्हाट हैपन्स कैन दे कम्युनिकेट विथ यू पीपल नो बट अगर आप मान लो उनके तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं एट मैक्स वो आपको इमिटेट कर सकते हैं सो इमिटेट का जो हिंदी है वो है नकल करना यस द हिंदी ऑफ इमिटेशन इज नकल करना सो द चाइल्ड डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ स्माइलिंग उस बच्चे को हंसने का क्या मीनिंग है वो नहीं पता लेकिन वो आपको देख के आप जैसे एक्सप्रेशन बना रहे हो वो भी बनाएगा यस सो हियर द चाइल्ड नोज नथिंग वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है इंटरेक्शन करने का जिसमें एट मैक्स दैट द चाइल्ड इज डूइंग इज सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी कर रहे हो दूसरे इंसान को नकल करना क्लियर नाउ नेक्स्ट वी सी इज द स्टेज ऑफ प्ले स्टेज प्ले स्टेज में ही गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल रोल प्लेइंग प्ले स्टेज में क्या होता है आई एम प्रिटिश ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन और मैं ये एग्जाम्पल हमेशा स्टूडेंट्स को देती हूँ वो इज़ क्वाइट कॉमिकल अमंगस्ट स्टूडेंट्स बट लेट मी सी इफ यू पीपल अंडरस्टैंड वॉट आई एम सीइंग जब हम थोड़ा बड़े होते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग टीचर टीचर खेलते हैं डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स येस वी ऑल ऑफ अस मस्ट हैव प्लेड वन सच गेम कि अपने पापा के जैसा खेलना या मम्मी मम्मी खेलना यस yes, एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ यू पीपल आर बॉर्न इन अ वेरी जेंडर्ड हाउस जैसे कि मेरे घर में सारे टॉयज मेरे पुतले होते थे या फिर जो किचन सेट होता था लड़कियों के लिए लड़कों के लिए अलग गाड़ी टॉयज एट्सट्रा इस तरीके से हम रोल प्ले करते हैं नाउ रिमेम्बर रोल प्ले वाले स्टेज में हमको इसका रियल मीनिंग जो है वो नहीं पता होता है हम लोग सिर्फ टीचर का रोल प्ले करना खेलते हैं डॉक्टर या फिर एनी अदर एग्जांपल दैट यू मस्ट हैव डन इन योर लाइफ येस आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ही सेस इन द लास्ट स्टेज वी एंटर द गेम स्टेज नाउ इन गेम स्टेज ही इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल टेकिंग दैट मीन्स गेम स्टेज में आते आते बच्चे को समझ में आ जाता है कि वो जो रोल प्ले कर रहा है उसका रियल मीनिंग क्या है सो वेन अ चाइल्ड एंटर्स अ लिटल हायर एज ग्रूप ही और शी रियलाइज कि अगर आप एक गेम में फुटबॉलर एक गोल कीपर का, का काम कर रहे हैं तो गोल कीपर का, का काम ये होता है कि आप फुटबॉल को नेट के अंदर नहीं घुसने दोगे येस सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंगयर बट अनटिल आप सिर्फ नकल ही कर रहे हो रोल प्लेइंग में आप सिर्फ नकल कर रहे हो आपको रियल मीनिंग नहीं पता कि एक डॉक्टर या टीचर क्या करते हैं बट आंटिल द टाइम यू एंटर रोल टेकिंग आपको धीरे धीरे सोसाइटी के रोल्स एस्पिरेशन्स ये सब पता हो जाती है येस सो प्लीज़ रिमेंबर रोल प्लेइंग आया तो वो प्ले स्टेज में आएगा गेम स्टेज में रोल टेकिंग ना लुक एड दीज नोट्स वेरी वेरी केयरफुली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरलाइज्ड अदर यानी मैंने दो स्लाइड्स पहले आप लोगों को सिग्निफिकेंट अदर्स और जेनरलाइज्ड अदर का मीनिंग कहा था इट्स वेरी सिमिलर टू चार्ल्स हॉट एंड कूली कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप सिग्निफिकेंट अदर आर दोज पीपल जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और जनरलाइज अदर समाज के वो बाकी सारे लोग हैं जो कि हमारे लाइफ के बहुत क्लोज नहीं हैं सो दीज आर द जनरल पीपल इन आर सोसाइटी बट सिग्निफिकेंट अदर आर द पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस मे बी द फैमिली मेम्बर्स द बेस्ट फ्रेंड्स एटसेटरा द रेलेटिव क्लियर सो ही से अनटिल द टाइम आप प्ले स्टेज में होते हो आप सिर्फ सिग्निफिकेंट आदर्स को ही जानते हो दैट इज आपके मम्मी कौन हैं आपके पापा कौन हैं या आपके भाई बहन एट्सेट्रा और गेम स्टेज में आते आते आप सोसाइटी के बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं इनके बारे में भी जानना शुरू कर देते हो सो जनरलाइज्ड आदर के बारे में रियल नॉलेज हमारा गेम स्टेज में ही जाके होता है इज दैट क्लियर सो जनरलाइज्ड आदर इज नथिंग बट एटीट्यूड ऑफ एंटायर कम्युनिटी जबकि सिग्निफिकेंट अदर इज नथिंग बट ओनली दो पीपल जो कि आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है ओके, इज दैट क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ यहां पे नेट पे एक क्वेश्चन आया था दैट किसके बोलने से आपके लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हु आर द पीपल इफ दे से समथिंग इट लेज मोर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ्स आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट अदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपके पेरेंट्स आपको कुछ बुरे तरीके से बोलेंगे यू विल फील बैड वेरी बैड बट अनलाइकली वेन आई स्कोल्ड माई स्टूडेंट्स दे जस्ट डोंट केयर मैं एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं यस ऑल राइट क्लियर आई होप इट इज क्लियर बहुत ही सिंपल थियोरी था नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड सो अगर आप चाहते हो आप लोग इसका नोट्स भी पढ़ सकते हो लेट्स रीड द नोट्स

वो सिर्फ अपना रोल नहीं प्ले करता है पर वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी लोग भी उनका रोल प्ले करे आई एम प्रटी श्योर यू मस्ट प्लेड दिस गेम आई डोंट नो अगर आप लोगों ने खेला होगा एक आ, हम लोग गेम खेला करते थे चोर पुलिस ओके नाउ आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ चोर पुलिस इन हिंदी आई एम राइटिंग इट इन इंग्लिश ओके दैट सम पीपल विल प्ले द रोल ऑफ थीव्स सम पीपल हैव टू प्ले द रोल ऑफ पुलिस और आपको उन थीव्स को पकड़ना है ना इफ़ यू आर प्लेंग द रोल ऑफ अ थीव आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा इंसान पुलिस का रोल प्ले करे दैट मीन्स आप जनरलाइज्ड आदर का एस्परेशन भी समझ रहे हो बट पहले स्टेज में हम सिर्फ अपना देखते थे डॉक्टर डॉक्टर एट्सेटरा क्लियर ऑल राइट फाइनली गेम स्टेज में जाके मेरा जो असली सोशल आइडेंटिटी है वो डेवलप हो जाता है क्लियर नाउ व्हाई इज द रीजन मैंने यहां पे आई और मी का कॉन्सेप्ट लिखा है ऑल दो इसका हिंदी ट्रांसलेसन और हाउ टू एक्सप्लेन यू पीपल डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी इन हिंदी आई डोंट नो बट आई टेल यू पीपल समथिंग वेरी सिमिलर अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट का थियोरी पढ़ा है ये काफ़ी हद तक गवमेंट के कॉन्सेप्ट से भी मैच करता है गवमेंट को अगर हम लोग इसी के साथ जी एच मीट के आई और मी के साथ एसोशिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए आई था बैक स्टेज और मी हो जाएगा फ्रंट स्टेज नाउ आई कैन गिव यू पीपल माय एग्जांपल। सी अभी आई एम टेकिंग अ लाइव क्लास अभी मैं कैमरा के सामने हूँ इज इट मैं और मुझे ओके हिंदी स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स मैं और मुझे ऑल दो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ट विद द हिंदी पार्ट बट लेट मी टेल यू सो अभी मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास ले रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यस अब मान लो मुझे बहुत मन कर रहा है कि पीठ में आई वॉन्ट टू स्क्रैच बधन आई विल थिंक मैं क्लास ले रही हूँ लाइफ क्लास के सामने पीठ में स्क्रैच करना वो भी पेन से अच्छा नहीं दिखेगा यस yes? पर मान लीजिए अगर मेरे सामने कैमरा नहीं है इफ़ देर इज़ नो कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम कम्प्लीटली अलोन तो मुझे जितना चाहे मैं पेन से अपना बैक स्क्रैच कर सकती हूँ सो बेसिकली जी एच मेड मैंट दैट आई इज योर रियल सेल्फ कि आपका असली अनप्रडिक्टेबल सेल्फ क्या है आप जब अकेले होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे लेकिन मी वो सेल्फ होता है जो हम सोसाइटी को दिखाते हैं सो ही कॉल्स इट सोशल सेल्फ ओके द थिंग दैट यू शो सोसाइटी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्टेड होता है इट अब जैसे कि आई नो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन से इन माई क्लास बट जब मैं अकेली हूँ मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ बट वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ पीपल जो सेल्फ मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ आई विल भी वेरी केयरफुल एंड प्रडिक्टेड येस इज दैट क्लियर येस योर फाइनल ओके अमरीन इज आस्किंग आपका रियल सोशल सेल्फ कब डिवेलप होता है आई थिंक आई हेव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन योर रियल सेल्फ इज डिवलप्ड इन द गेम स्टेज लास्ट गेम स्टेज के बाद जब आपको जनरलाइज्ड आदर के एस्पिरेशन के बारे में भी पता चल जाती है क्लियर ओके आई होप इट इज क्लियर आई एन मी कॉन्सेप्ट ऑल राइट ओके नाव वी एंटर द लास्ट थिंकर फॉर टुडे फॉर विच मुझे लगता है पर्सनली कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंकर है क्योंकि इनका जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था ही इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू वाट सी एच कूली और वाट जी एच मीड है फ्रॉयड अपने नाम में ही एक ब्रांड है हम लोग फ्रॉइडियन साइकोलॉजी पढ़ते हैं फ्रॉइडियन सोशोलॉजी पढ़ते हैं फ्राइडियन फेमिनिज्म भी पढ़ते हैं सो सिगमन फ्रॉइड बेसिकली इज़ अ ब्रांड नेम इन इट्स हिमसेल्फ सो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन उनके की पॉइंट्स क्या है उन्होंने बेसिक क्या क्या पॉइंट्स कहा था लेट अस एंटर इन टू दैट सो आई होप ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डिफरेंट ओके ना सिगमन फ्रॉइड को हम लोग सबसे पहले आपको याद रखना है वी ऑल्सो कॉल हिम फादर ऑफ साइको एनालिसिस ओके सो वी ऑल्सो कॉल हिम दादर ऑफ साइको एनालिस या फिर हम लोग उन्हें एक साइको एनालिस्ट के नाम से भी जानते हैं अ लॉट ऑफ पीपल मिस प्रनाउंस हिज नेम इट इज नॉट फ्रीड इट्स फ्रॉइड ओके सो डोंट कन्फ्यूज ये फ्रीड नहीं होता है फ्रॉयड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर Now let us enter the first part of Sigmund Freud's theory. It's a very interesting part. पर यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं सबसे पहला लाइन आप लोग पढ़ो फ्रॉइड्स theory ऑफ sexual डेवलपमेंट अब ध्यान से देखो चार्ल्स हॉटन कूली के लिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था जीएच मीट के लिए आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो लोगों से आप किस तरीके से अपने अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हो सोशलाइजेशन कैसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट थे बट फॉर फ्रॉइड ही सीज कि हमारे बॉडी में हमारे लाइफ में लोगों के कंपेरिजन में सेक्शुअल डेवलपमेंट कैसा होता है और उसी पर डिपेंड करता है सोशलाइजेशन सो so उन्होंने बाकी सारे चीज़ों को साइड कर दिया और उन्होंने कहा

को कंपेयर करे लेट से कोई भी एनिमल के साथ ओके ना ह्यूमन बींग में हमारे क्या होते हैं पेरेंट्स होते हैं भाई बहन होते हैं एट्सेट्रा एटसेट्रा मैंने आप लोगों को इंसेस्ट टैबू का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टैबू का मतलब ये होता है दैट यू कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिलेशन विध योर रिलेटिव्स अब आते हैं एनिमल्स में एनिमल्स में क्या आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस किया है कि उनके पास भी ये रूल है कि आप पेरेंट्स के साथ भाई बहन के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रख सकते हैं नो no. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके लिए पेरेंट्स कौन था भाई बहन कौन था इट डज़ नॉट मैटर सो दे बेसिक इसका बेसिक पॉइंट क्यों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ बिकॉज दे डू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ़ मॉरलिटी अब मॉरलिटी का क्या है हिंदी ये तो मुझे आप ही को बताना पड़ेगा बट दे डो नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी कि पेरेंट्स के साथ सेक्शुअल रिलेशन नहीं कर सकते भाई बहन के साथ नहीं कर सकते एनिमल्स के लिए दीज थिंग्स डो नॉट एग्जिस्ट एट ऑल सो फ्रॉयड को ये मॉरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया विथ इज Uh, naitikata okay students are saying naitikata mm. <coughs> but I don't know what do you people say is it naitikata is it all of you agree okay naitikata chalo I don't know the spelling but I'm trying I hope it is correct naitikata or maybe it is wrong but anyway I hope you people understood now लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस लाइट नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट उन्होंने तीन कॉन्सेप्ट दिया था चलो इस को भी लेटर्स राइट टेन अंडरस्टैंड ही सेज कि हमारे पर्सनैलिटी में ठीक है हमारा जो पर्सनैलिटी है देर आर थ्री पार्ट्स टू दैट नंबर वन इज कॉल्ड एड नंबर टू इज कॉल्ड ईगो नंबर थ्री इज कॉल्ड सुपर ईगो अब ये ईगो वो वाला अहंकार वाला ईगो नहीं है प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इन फ्रॉइडियन टर्म्स ओके नाउ ही सेस जब इंसान और एनिमल्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है उसका मतलब ये है कि उस इंसान में कोई भी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है सो so बेसिकली वो अपने बेसिक ड्राइव्स जो है सिर्फ उन्हीं का सुनता है एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जैसे कि एक हो गया हंगर भूख लगना या किसी को बहुत इच्छा कर रहा है सेक्स करना नाउ दीज आर थिंग्स जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में सेम है ह्यूमंस को भी ये सब मन करता है एनिमल्स को भी मन करता है पर हम दोनों का रहना बहुत ही अलग है इफ़ एन एनिमल इज़ हंग्री दैट एनिमल विल गो एंड स्नैच द फूड एंड ईट बट इंसान वो नहीं करेंगे हमें पता है कि कहीं से भी खाना हम लोग नहीं खा सकते यू हैव टू बाई और यू हैव टू अर्न सम मनी एंड देन गो बाई दैट फूड यस इवन फॉर द मैटर ऑफ सेक्स क्या ह्यूमन बींग्स में ऐसा है कि आप किसी के साथ भी मन किया तो आप चले जाओ जस्ट लाइक एनिमल्स नो इन ह्यूमन बींग्स एज आई सेड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरलिटी बट फ्रॉड कहते हैं कि कुछ लोगों का जो ये पर्सनालिटी में इड का पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग मॉडल वैल्यूज ये सब बिल्कुल नहीं मानते ऑल दे लिसन टू इज देयर बेसिक ड्राइव्स अगर हंगर है सेक्स करने की इच्छा है तो वो लोग वही करेंगे दे विल नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स येस ओके नाउ नाउ लेट्स फर्स्ट गो टू सुपर ईगो एंड देन वी विल कम टू ईगो इसे सुपर ईगो में क्या होता है मॉरल प्रिंसिपल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है जैसे कि गांधी आप गांधी का एग्जाम्पल ले लो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लो चाहे आप उनको खाना ना दो या फिर बहुत ही टॉर्चर करो फिर भी वो लोग लो नॉन वायलेंट नहीं होंगे दैट मीन्स व्हाट उनके लिए मॉरल प्रिंसिपल्स का वैल्यू बेसिक ड्राइव से बहुत ज़्यादा था उनके पर्सनैलिटी में इज इन टेड नाउ ईगो के लिए उन्होंने कहा कि जब इन दोनों एलिमेंट्स का हम लोग बैलेंस करते हैं तब जाके हमारा पर्सनैलिटी ईगो बेस्ड होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत इड भी होता है थोड़ा बहुत सुपर ईगो भी होता है येस ऑल राइट आई होप यू गैस अंडस्ट द बेसिक मीनिंग नाउ लेट्स गो बैक एंड लुक एट द नोट्स ही इज इट ओनली फोकसेस ऑन प्लेजर कि आपको क्या चीज करने से प्लेजर मिलेगा और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है मान लो आप एक पब्लिक प्लेस में हैं और आपको बहुत जोर से बाथरूम लगी है आप नहीं जाओगे वहां पे यस आप कोई बाथरूम या टॉयलेट पहले ढूंढोगे जहाँ पे आप जाओगे पर अगर आप इड वाले इंसान हो द तो पर्सन हु हुज पर्सनैलिटी इज फिल्ड विद एड उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इट्स जस्ट लाइक एनिमल्स आप पब्लिक प्लेस में ही कर सकते हो येस yes? सो so, यहाँ पर हम सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल के पीछे ही भागते हैं वेर एज इन केस ऑफ सुपर ईगो वी सी द पीपल रन आफ्टर मॉरल प्रिंसिपल ओके इनके लिए मॉरलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पर ईगो जिनके पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग ना ही जा, बहुत ज़्यादा मॉरल है ना ही बहुत ज़्यादा प्लेजर में फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं रियलिटी पे कि काफ़ी बार रियलिटी में हमें मॉडल ज़्यादा होना पड़ सकता है काफ़ी बार थोड़ा एग्रेसिव भी बनना पड़ सकता है यस, ऑल राइट सो डिड यू गाइज़ अंडरस्टैंड वट आई जस्ट सेड? अगर आपको याद नहीं रहता यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस एज वेल यू कैन रिमेंबर द प्रिंसिपल्स दैट आर एसोसिएटेड विद डेम सो एट में हमारा प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है वेर यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ प्लेजर वॉट गिवज यू प्लेजर ईगो में आप रियलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि कौन से सिचुएशन में क्या आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़े और सुपर ईगो में आप मॉरल प्रिंसिपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इज़ दैट क्लियर ऑन नॉट इज एवरीबडी क्लियर एग्जैक्टली exactly. अब जैसे कि बहुत बार बच्चे बदमाशी करते हैं तो पेरेंट्स मारते हैं उन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को प्लेजर मिल रहा है यस सो पेरेंट्स रियलिटी पे फोकस करते हैं कि अगर इस टाइम बच्चे को ना मारे तो ये शायद बच्चा फिर से ये गलती दोहराएगा आगे यस सो ईगो इज बेसिकली द बैलेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंड फ्रॉइड सेस कि हमारे पर्सनैलिटी इन्हीं तीन एलिमेंट से बनता है ऑब्वियसली ईगो जैसा पर्सनैलिटी होना तो चाहिए पर बहुत लोग इड में ज्यादा फोकस करते हैं बहुत लोग सुपर एगो में क्लियर ओके okay, चलो ग्रेट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉयड का जो थियोरी है वो सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से उन्होंने समझाया था अब आपको ये लग सकता है दैट वाई इज इज सेंग इट्स सेक्शुअल डेवलपमेंट जब एक बच्चा छोटा होता है डज ही और शी नो एनीथिंग अबाउट सेक्स और सेक्शुअल डेवलपमेंट कॉमन सेंस का आंसर क्या आएगा नो नॉट एट ऑल येस बट दिस इज वेयर फ्रॉयड एंटर्स एंड ही सेक्स एंड ही सेज दैट सेक्शुअल स्टेजेस और डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्स इट्स अबाउट अगेन हमने एज में क्या पढ़ा था प्लेजर कि हमें अपने लाइफ में क्या चीज़ करने से प्लेजर मिलता है और इसी चीज़ को उन्होंने एज ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड किया था सबसे पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं ओरल एनल फैलिक लेटेंट एंड जेनिटल नाउ बिफोर आई गो इन टू इट याद रखना ये सारे जो है एजेस के बेसिस पे है यानी कि बच्चा जब बॉर्न होता है इसे लेके हमारे एडॉलिसंट के बाद के एजेस तक है बट हाउ आर दे रिलेटेड कैसे क्या है सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी येस ओके चलो लेट्स नाउ नाउ प्लीज नोट दिस थिंग मैंने आपको प्रीवियस लाइफ में ये कहा था दैट ही फोकस इज ऑन प्लेजर दैट मीन्स ही सेंस कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे हमें प्लेजर मिलती है ओके okay? जिसे उन्होंने एरो जेनस जोन्स कहा था ये वो जोन्स होते हैं जो हमें किसी एक तरीके का प्लेजर देते हैं नॉ टेल मी समथिंग गाइज जब एक बच्चा बॉर्न होता है बर्थ से लेके कर वन ईयर तक उसे क्या आता है द चाइल्ड नोज और द इन्फेंट नोज नथिंग बट ओनली हैविंग मदर्स मिल्क या फिर मिल्क कंज्यूम करना यस दैट मीन्स उसके बॉडी में बाकी जो भी पार्ट्स है उस पर कोई भी कंट्रोल उसका नहीं होता है ही और शी डज़ नॉट रियलाइज़ कि उसको पॉटी कब आ रही है कब सुसु करना है क्या करना है नथिंग उसको एक ही चीज़ से फ़र्क है कि हंगर मेरा हंगर कैसे मिटेगा यस yes. बच्चा रोना शुरू कर देते हैं अगर उनको भूख लगती है दैट मीन्स व्हाट कि उनका जो माउथ का रीजन है वही उनको प्लेजर देता है अगर आप उन्हें खाना दोगे तो वो रोना बंद कर देंगे देर फोर ही सेड कि ओरल स्टेज में आपका जो प्लेजर वाला जोन होता है बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है इसके अलावा उनको किसी चीज की समझ है ही नहीं क्लियर एक्जैक्टली अब बहुत सारे टाइम आप बच्चों को कुछ भी मुंह में डाल दो आप जैसे बहुत सारे टाइम इफ़ यू पुट योर हैंड नियर तो वो आपके फिंगर्स को भी खाना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे थिंक उनको उसी पार्ट का सेंसेशन महसूस होता है बाकी पार्ट्स का कोई नॉलेज नहीं होता है नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेज जिसे उन्होंने एनल स्टेज कहा था जो कि एक साल से तीन साल तक था नाउ आई डोंट नो अगेन इफ यू पीपल हैव सीन बेबीज इन एंड अराउंड पर धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब पेरेंट्स उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं कि देखो जहाँ तहाँ आप पॉटी नहीं कर सकते आपको बाथरूम में जाके करना पड़ेगा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा जब आपको बाथरूम जाने का मन करे आप हमें बताओ रादर देन जस्ट डूइंग इट इन योर पैंट्स यस सो ही सेस कि इस टाइम में बच्चों को ये सोच के बहुत अच्छा लगता है दे फील वेरी हैप्पी नोइंग कि अब मुझ में वो कंट्रोल आ गया है नाउ आई कैन डिसाइड मैं कब बाथरूम जा सकता हूँ कब नहीं जा सकता यस आई यू गैज अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम सेग गाइज येस और नो सो ही सेस कि यहाँ पे जो एरोजेनस जोन है वो बॉबल और ब्लैडर कंट्रोल में शिफ्ट हो जाता है जब बच्चा पॉटी करना सीखता है सुसु करना सीखता है तब जाके उसे प्लेजर मिलता है ओके नाउ आई कैन डिसाइड कब क्या मैं कर सकता हूँ येस ऑल राइट नाउ लेट्स मूव टू नंबर थ्री सो दिस इज नंबर वन दिस इज़ नंबर टू नेक्स्ट वी कम टू नंबर थ्री फैलिक स्टेज ना फैलिक का मीनिंग मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ टू डू विथ फेलस फेलस मील्स जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पीनस कहते हैं वहाँ से आता है न फ्रॉइड स्टेलिंगस कि थ्री टू सिक्स ईयर में बच्चों को फाइनली ये सीखने को मिलता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट्स है वो अलग अलग जेंडर्स में अलग होता है आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव गॉन थ्रू द सेम पर इसी टाइम में तीन से छः साल तक के बच्चे ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यू नो वाई आर बॉयज़ डिफरेंट वाई आर गर्ल्स डिफरेंट सो धीरे धीरे उनको अपने बॉडी के बारे में नॉलेज होना शुरू होता है कि मेल्स फीमेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत ही अलग होते हैं बिकॉज ऑफ अ फ्यू बॉडी पार्ट्स यस ऑल राइट नाउ फिर आते हैं लेटेंट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज है बिकॉज लेटेंट का मतलब है हिडन ठीक है सो ही सेस कि छः साल से प्यूबर्टी तक बच्चे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं दे फोकस मोर ऑन गेम्स प्लेइंग एट्सेट्रा सो ही सेस के इस टाइम में इन लोगों का जो साइकोसेक्सुअल अर्ज है वो हिडन रहता है if in case you people do not know the meaning of the word libido libido means ki pleasure seek karne ki jo ichcha hoti hai wo gayab rehta hai they focus more on playing and all of that to unko bodily cheezon mein interest nahi rehta hai but puberty के बाद जो last stage आता है, that is genital stage and i think all of us are adults all of us know कि किस तरीके से puberty से लेके death तक हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाता है कि सेक्शुअल मेच्योर सेक्शुअल इंटरेस्ट क्या होते हैं अट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं यस आई होप इट्स क्लियर बट यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं हुआ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट यू रिलेटेड टू फ्रॉयड आई डोंट नो इफ यू पीपल हर्ड सो वी हैव सीन ये जो फैलिक स्टेज होता है ये कौन सा स्टेज होता है नंबर थ्री राइट सो ही सिलिक स्टेज में बच्चे दो चीजों से सफर करते हैं वन विच ही कॉल्स ए डी पस कॉम्प्लेक्स जो कि बॉयज फेस करते हैं एंड देन ही कॉल्स अनादर कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सफ़र करते हैं गर्ल्स ना ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल थियोरी है जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है बट देन उन्हीं लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है जो इस थियोरी को ध्यान से नहीं समझ पाते हैं हिसेस दर इनफेलिक स्टेज जब आप अपने ऑर्गन्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करते होसेस कहीं ना कहीं बॉयज फील अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर देयर मदर्स एंड ऑन दी आदर हैंड गर्ल्स फ़ेस अ काइंड ऑफ एट्रैक्शन फॉर देयर फादर्स अब ये अट्रैक्शन जैसा अट्रैक्शन आप सोच रहे हो वो वाला नहीं आपने सुना होगा किया होगा लाइफ में या फिर एक्सपीरियंस भी खुद आप लोगों ने किया होगा अब लॉट ऑफ टाइम्स इसी एज ग्रुप में आप लोग लड़कों को बोलते हुए सुनोगे कि मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है माई मदर कुक बेटर देन योर सो बेसिकली बॉयज़ गेट मोर फॉन्ड और मोर क्लोज़र टू देयर मदर्स On the contrary, we have seen that girls get more close to their fathers. They say that my father is a superman, my father can do everything, etc. etc. Yes? Are you guys understanding what I am saying? Yes? So, this is a kind of attraction which Freud says that a subconscious level of sexual attraction. Hota hai, jahan pe aapko ये सोचने को मिलता है कि काश जो मेरे फ्यूचर पार्टनर्स होंगे वो मेरे मम्मी जैसे हो या फिर जो लड़कियां हैं वो सोचे कि वो मेरे पापा जैसे हो एटसेट्रा सो इन केस दे आस्क यू दिस क्वेश्चन अबाउट ईडीपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिमेंबर ये फैलिक स्टेज में इंट्रोड्यूस होता है नाउ इज दैट क्लियर i hope the concepts are clear. freud, kelly, hammett, personality, ke elements, Id, ego, superego, and then the different stages, which are oral, anal, and then phallic. Um, then we had latent, and then genital stage. yes. of course, many thinkers criticize these theories, and we know why, yes, as many people do not think that this is very very important or something that can be explained in certain manner. Uh, okay, now this was about today's class. But as I said, that I will take some time in clarifying your doubts. If you people have doubts regarding anything, you can ask me now. I can see some students are asking, "Ki ma'am, plus group me kaise add hona hai? Plus group me agar aap add hona chate ho, please drop a mail on this mail ID."

Okay, Abhishek has asked a very good question. When you cited an example of Gandhi as a non-violent person, you associated him with superego. And don't you think being non-violent can be embodied in a person's basic drives rather than superego? Actually, not because animals by nature follow survival instincts. What is the meaning of survival? survival Yes, because this world believes in the idea of survival of the fittest. सो so, अगर आप नॉन वायलेंट नहीं होंगे आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे प्रिजर्व करेंगे सो so, अगर मैं आपको बिना खाना दिए दस दिन रख दूँ आप फिर भी नॉन वायलेंट हो रहे हैं देन दिस इज़ नॉट योर बेसिक ड्राइव आपका बेसिक ड्राइव ये बोलेगा कि आप मुझ पर अटैक करो आप मुझे मार डालो और मेरा खाना छीन के आप खा लो सो हियर वी वे टॉकिंग मोर अबाउट द बेसिक ड्राइव्स आई एम नॉट सेइंग दैट नॉन वायलेंस इज़ अ गुड हैबिट एंड जो लोग मारते हैं इज अ बैड इट्स ऑल अबाउट बेसिक ड्राइव्स दट हाउ एनिमल्स थिंक एंड हाउ ह्यूमन्स थिंक यस सो नारायण शर्मा फिटनेस जो भी आप हो प्लीज इस मेल आई डी पे आप ड्रॉप कर दो uh, प्लस क्लासेस कब से शुरू होंगे प्लस में इस बार सिंस मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है हम लोग डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन कोर्स को ही फॉलो कर रहे हैं सो so प्लस में अभी कुछ ही दिनों में एक रिविजन एम सी क्यू सॉर्ट ऑफ कोर्स आएगा जो कि अराउंड नौ या दस दिन के लिए होगा बिकॉज दैट इज द टाइम वी आर लेफ्ट फॉर एग्जाम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं डेज सो दैट इज़ इट उसके बाद नया बैच आएगा आफ्टर द नेट एग्जाम्स आर ओवर सुपर ईगो कोई स्टेज से डेवलप नहीं है ओके गाइज दिस ईगो एड एंड सुपर ईगो हैज नथिंग टू डू विद दीज स्टेजेस ये स्टेजेस तो अलग हो गया ये जो तीन पार्ट्स मैंने आपको बताया है ये तो पर्सनालिटी के अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो वो डिपेंड करता है किसी के लिए एड ज्यादा डेवलप हो जाता है जो लोग ऑप्सेस्ड हो जाते हैं फैलिक स्टेज में उनके लिए एड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो लोग ऑप्सेस नहीं होते हैं उनके लिए सुपर इगो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यस yes? क्लियर uh, ओके लियो इज आस्किंग रिलीजन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज प्राइमरी और सेकेंडरी रिलीजन ऑल दो बहुत सारे रिसोर्स में आपको ये बताया जाएगा कि रिलीजन सेकेंडरी है बट दैट इज नॉट रिलीजन को हम प्राइमरी में ही रखते हैं सेकेंडरी में बाकी चीज़ें आ जाते हैं जैसे कि लॉ मीडिया जो आपके लाइफ के एकदम बिगिनिंग में ही आपको नहीं सीखने को मिलता है बाद में सीखने को मिलता है सो विद दैट लॉजिक रिलीजन इज समथिंग वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड अगर आप हिंदू है तो आप छोटे से पूजा पाठ आरती ये सब करोगे क्रिश्चियन मुस्लिम एक्सेट्रा डिफरेंट रूल्स सो रिलीजन प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन यस वेर देर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी बाय कोडर मैकाइवर मैम सेम लाइन बुक में पेज नंबर सिक्स पर आई नो टॉपिक से हटके है बट प्लीज क्लियर कर दो वे इज द क्वेश्चन वेर देर इज लाइफ दर इज सोसाइटी Uh, अगर आप गूगल करोगे इसका आंसर आता है ऑगस्ट कोर्ट बट एज फार एज आई रिकॉल द आंसर इज मेकाइवर वेर देर इज लाइफ देर इज सोसाइटी आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन पीजीटी क्वेश्चन आई थिंक द आंसर इज मेकाइवर आई थिंक ऑल दो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ पर मुझे लग रहा है ये मेकाइवर है अगर हम सी एन शंकर एसेट्रा का किताब या इग्नू देखें तो यस yes? uh, जानवी सिन्हा टुडेज क्लास वाज़ एग्जैक्टली द फर्स्ट क्लास टॉपिक्स आई सेड आई विल कवर इन यूट्यूब क्लासेज इज इट? सोशलाइजेशन का टॉपिक मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रूप्स पढ़ेंगे इसी तरीके से सोशल डेवियन सोशल डिसऑर्गेनाइज़, ये डिज ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें हम लोग CUET के सिलेबस में जो नेट के सिलेबस में नहीं है इसी तरीके से YouTube क्लासेस में ही कवर होंगे ओके okay? uh... मैम प्लीज से हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्वायरमेंटल रेफ्यूजी नो आइडिया गाइज आई हैव टू सी दैट एक बार गूगल करके देखो अगर मुझे नहीं याद रहता है रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास यस अनामिका कार की दोज क्लासेस हैव नॉट हैपेंड जितना तक हुआ है वही एक्सेसिबल होगा ओके

एम सी क्यूज जो कि मॉक टेस्ट्स हैं वो हमारे फ्री क्लासेस में होंगे पर कुछ और एम सी क्यूज आई ऑल्सो ट्राई एंड डू ऑन प्लस बट आई लेट यू पीपल नो वेरी सुन की प्लस क्लासेस का स्कड्यूल क्या होगा जस्ट गिव मी लाइक टू मोर डेज एंड देन वी आर बैक विथ प्लस क्लासेज ओके सो आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट जस्ट अ मिनट सो आई होप यू काइजर क्लियर कि रिलीजन को हम सेकेंडरी में क्यों नहीं डाल रहे हैं इवन देन इफ़ यू पीपल हैव डाउट्स लेट मी नो बिकॉज आई रिमेंबर देर वॉज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन दैट कि हम लोग स्टेजस ऑफ सोशलाइजेशन कैसे देखते हैं फैमिली पियर ग्रुप रिलीजन स्कूल ये तीनों को हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन में रखते हैं नॉट अंडर प्राइमरी सोशलाइजेशन बट प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इफ़ यू पीपल रिमेम्बर मैंने आप लोगों को ये दो टर्म्स स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट करके कहा है कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर नॉट सेम विथ स्टेजेस स्टेजेस और एजेंट्स सेम नहीं है देखो एजेंट्स में हम लोगों ने फैमिली स्कूल पीयर ग्रुप रिलीजन ये सारा एक ही जगह में रख दिया बट इन टर्म्स ऑफ स्टेज प्राइमरी में सिर्फ फैमिली आएगा सेकेंडरी में ये सब आ जाएगा स्कूल पेयर ग्रुप रिलीजन एट्सेट्रा क्लियर सोमसी इज आस्किंग मैम डू यू नीड टू रीड इंपॉर्टेंट थिंगस लाइक मार्क्स और पार्सन फॉर सी यू टी सिलेबस द रीजन इज आई विल से अ लिटिल बिट येस बिकॉज अ लॉट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक क्लास कम्स फ्रॉम मार्क्स

मैम प्राइमरी स्टेज में पियर ब्रूक क्यों नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में हम सिर्फ एकदम इमीडिएट बिगिनिंग के बाद ही हम कंसिडर करते हैं विच इज जस्ट फैमिली यस ओके ऑल राइट शुभम मेहरा अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है गाइज प्लीज नोट रोलिंग जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग अपने टूथपेस्ट में नमक ढूंढ सकते हो ओके okay. अच्छा मैम सुपर इको क्वेश्चन के मिल जामिया पेपर अब तक मैंने जामिया पेपर नहीं देखा है एज़ यू पीपल नो मैं दो महीने एक्टिव बिल्कुल नहीं थी सो आई डेफिनेटली सी एंड सॉल्व दोज क्वेश्चन यस ओके okay, रुको रुको हैव मैम हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एंड जनरलाइज्ड आदर यानी कि आपने क्लास नहीं किया मीट का कॉन्सेप्ट है प्लीज इसका क्लास जरूर देखो बाद में यस जी एच मीट इज बोथ देखो साइको सोशल और सोशल साइकोलॉजिस्ट मीनिंग सेम है साइको सोशल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट यस तो जानवी का क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया गरिमा रावत मैंने सी यू ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है डिटेल और वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कौन से टॉपिक्स मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँगी तो प्लीज़ यूट्यूब में सर्च करो और वो वीडियो देखो यस पीआरजे का थियरी मेंशन नहीं किया है इन लोगों ने सीयूईटी में स्पेशली नाम के हिसाब से सो आई एम नॉट वेरी श्योर बट व्हेन आई गिव यू पीपल द पीडीएफ आई लेट आई मेक श्योर कि थोड़ा बहुत नोट्स में इंक्लूड कर दूं टेलीग्राम के बारे में आप लोग पूछ रहे हो मैंने ऑलरेडी क्लास के बिगिनिंग में आप लोगों को बोल दिया है टेलीग्राम का नाम है अंतरा स्क्वाड अंतरा स्क्वाड टाइप करो तो यूल गेट और टेलीग्राम में मैं इसका पी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डू स्टे अपडेटेड विथ टेलीग्राम बिकॉज एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू वॉट आई कीप अपडेटिंग यस ऑल राइट ओके मेल एड होने के लिए यस। yes. इस मेल आई डी पे आप लोग मेल ड्रॉप करो। इफ यू पीपल हैव ज्वाइंट प्लस सो दैट वी कैन सेंड यू ओके सूरज इज आस्किंग मैम डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम आई थिंक पुणे यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कंडक्टिंग सी ऊी दिस टाइम आई एम नॉट वेरी श्योर एक बार सी यू ई टी का लिस्ट चेक कर लो अगर वो यूनिवर्सिटी भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं यस ओके गाइज आई थिंक ये सब हो गया है आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टुड मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाया है आज चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं नेक्स्ट क्लास कब होता कब होगा बहुत जल्दी मैं बता दूंगी बट अंटिल देन दो स्टूडेंट्स हु स्टिल विश टू जॉइन मी फॉर द नेट कोर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है जो डिसम्बर ट्वेंटी कोर्स है वही आपको देखना है एंड टू ज्वाइन यू कैन यूज माई कोड अंतरा लाइफ फॉर अ टेन परसेंट डिस्काउंट मैंने आपसे यह भी कहा था कि जून जुलाई ट्वेंटी नाइन्थ तक ही ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा सो प्लीज यूटिलाइज डेट ओके चलो गाइज बाई आई मीट यू पीपल नेक्स्ट टाइम एंड स्टे एक्टिव ऑन टेलीग्राम ऑल दो आई माई टॉन्ट भी वेरी एक्टिव बट मैं कोशिश करूंगी कि एक्टिव रहूं मैं ओके okay? चलो गाइज बाई टेक केयर गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर विशिंग मी बर्थडे ऑन माई बर्थडे ओके बाय गाइज